हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा ना अपर लिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं इसे बनवा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सिप्टम पियर्सिंग कराई हूँ। अभी मैं कल ही गई थी, कल 12 अगस्त था, 6 अगस्त को मैंने सिप्टम पियर्सिंग कराया है और आज 13 तारीख है, यानी कि 8 दिन हो गए मेरे सिप्टम पियर्सिंग कराए हुए। 8 दिन क्या मतलब 7 दिन हो गए, 1 वीक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर अपर लिप्स बनवाती हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, है ना, धागा आर पार होता है। आज मैं अपना खुद से अपर लिप्स करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं कल थ्रेडिंग बनवाने गई तो मैं बोली कि थ्रेडिंग और फोरहेड कर दीजिए लेकिन अपर लिप्स नहीं करिएगा। जब ये करा ली तो उसके बाद मैं पूछती हूँ कि क्या मेरा अपर लिप्स जो है, यहाँ देख सकते काफ़ी ज़्यादा हेयर हो गया है, ये आप कर देंगे तो मेरा दर्द नहीं होना चाहिए। अभी अभी ये कराई हूँ और मैं थोड़ा ऐसे पकड़ लूँगी, आप अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, हल्का सा अभी दर्द है क्योंकि अभी तुरंत ही हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप 5 दिन बाद आइएगा अपना अपर लिप्स बनवाने के लिए, लेकिन मैं बोली नहीं, 5 दिन के बाद मैं नहीं आ सकती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं वीडियो वगैरह बनाए हुए, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम बीत गया है, मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ फेस से रिलेटेड कुछ भी, नोज़ ज्वेलरी और नहीं लिपस्टिक ट्यूटोरियल कुछ भी नहीं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बोली चलिए ठीक है, मैं खुद से ही कोशिश कर लूँगी अपना खुद का अपर लिप्स बनाने का, काफ़ी ज़्यादा हेयर निकला है तो मैं लिपस्टिक की वीडियो आखिर बनाऊँ कैसे या फिर मेकअप ट्यूटोरियल कैसे बनाऊँ। तो सिप्टम पियर्सिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ये भी आ रहा था कि फुल मेकअप के साथ आप सिप्टम पियर्सिंग के साथ फुल मेकअप की वीडियो लाइए, तो चलिए उसी की तैयारी के लिए आज मैं यहाँ अपर लिप्स करने वाली हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे इस तरह से धागा लेना है, इसको मैं ना एक बित्ता ऐसे नाप लूँगी इस तरह से, ठीक है, या फिर ये बीच वाली उंगली से, और ये मान लेते इतना आया है, थोड़ा सा नोट बनाने के लिए छोड़ करके यहाँ से हम लोग डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और धागा जो एक्स्ट्रा है उसको तोड़ के रख लूँगी। अब इस धागे के छोर के पास इस तरह से गांठ बना लूँगी, तो इस तरह से मेरा रेडी हो गया है धागा, और इस तरह से टर्न करूँगी और फिर इस तरह से जो हमारे हेयर हैं निकल जाएंगे। लेकिन निकालने से पहले ना हमें वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगाना होगा, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो पाउडर तो लगाना पड़ेगा। और लिपस्टिक की वीडियो बनानी है तो चारों तरफ लगा लूँगा, क्योंकि इधर इधर भी मैं हेयर रिमूव करती हूँ। इसको हम लोग को ना इस तरह से ले करके और 4 से 5 बार या 6 बार उसे घुमाना है, एक छोटा फिर बड़ा, इस तरह से। आप बचपन में सब लोग खेला करते थे तो वैसे ही बस खेला खेलना है। और जहाँ के हेयर निकालने वहाँ पे जो अपनी टंग है ऐसे निकालनी है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत से लोग जब अपर लिप्स बनवाते हैं तो लोग ऐसे निकल आता है, मतलब उन लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है ना, इतना ज़्यादा डर लगता है कि जीव यहाँ रखने बोलती हूँ, जब मैं किसी कस्टमर को बनाती हूँ यहाँ रखने बोलती हूँ तो उन लोगों का जीव बाहर निकल आता है ऐसे। मैं नहीं निकाल पाती हूँ, मेरे से नहीं निकलता है क्योंकि सहन शक्ति है। और ये देखिए पसीना से सारा पाउडर गीला हो गया। तो यहाँ निकलना,
ये गर्मी से ना बहुत चिपक रहा है, क्या करूँ मैं। मैंने क्या किया, फ़ैन ऑन कर ली और अपना जबान बंद कर ली। तो यहाँ पे मैं अपर लिप्स कर रही हूँ। ये हमारे अनचाहे हेयर हैं जो मुझे लगता है जिन लोगों के काफ़ी लंबे लंबे हैं हटा लेने चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ हैं। अभी अभी एक लड़की थी जिसने काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया और उसकी काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बने थे कि उसकी मूछें हैं, कम से कम मूछें हटा लेती इस तरह से। तो मैं बता दूं कि जो लड़कियां या फिर जो भी लड़के हैं ना जो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आप गौर करना, सुंदरता पे वो लोग फोकस नहीं करते। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पढ़ने वाले उन लोगों को फुर्सत ही नहीं है। लोगों से कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये तो हम लोग हैं जो एक हाउसवाइफ बन के रह गए हैं, नॉर्मली पढ़ाई करके हाउसवाइफ बन गए हैं और हम लोग पास कोई काम धाम नहीं है, बस हम लोग यही सब करते रहते हैं। मतलब मैं खुद से ही अपने खुद का ही बुराई कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकती हूँ। मैं बड़े आराम से और धीरे धीरे अपना अपर लिप्स बना रही थी ताकि मेरा सिप्टम रिंग जहाँ है वहाँ पर धागा ना लगे। अगर थोड़ा सा भी धागा लग के थोड़ा सा भी खींचा गया तो कितना दर्द होगा मैं जानती हूँ और मेरी अंतरात्मा ही जान रही होगी कि जब जब वो टच हुआ है गलती से ही तो मुझे कितना दर्द हुआ है। आज मेरा 1 वीक हो गया और 1 वीक होने पे यानी 8 डेज हो गए हैं और तब मैं यहाँ पे अपर लिप्स बना रही हूँ खुद से। पार्लर गई थी तो वो तो मना कर दी, तो मैं खुद ही बना रही हूँ। तो खुद बनाने से ये है कि मेरे हाथों में खुद का कंट्रोल है कि मैं कहाँ तक धागा को खींचूँ, वहाँ तक ना जाए। ये चीज़ें बहुत देख के कर रही थी। और मैं जब बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुद से मतलब अपना दर्द बर्दाश्त करके एक काम करते रहना मतलब अजीब सा लगता है। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं बना रही थी तो मुझे कुछ उतना दिखाई नहीं दे रहा था दूर से, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी कि चलो जो भी है निकल रहा था, दर्द हो रहा था मुझे हल्का हल्का और मेरे आँखों में आंसू भी आ रहे थे। तो ये जो अपर लिप्स बनाने का है, ये इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी मैं बैक कैमरे से वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो प्रॉपर बहुत अच्छे से दिखाई देता है लिपस्टिक कैसे लगाई हूँ, लिपस्टिक का लुक अच्छा आता है, नोज ज्वेलरी अगर पहनी हूँ कोई सा भी तो वो भी बहुत अच्छा आता है। इसके लिए ही मैं ये वाला एरिया क्लीन करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों ही करती हूँ क्योंकि लिप्स तो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, तो ये सारा चीज़ तो क्लीन करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे साफ़ हो रहा है आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप देख सकते हो ना, जेंट्स लोग या फिर लड़के लोग जब दाढ़ी मूछें बढ़ जाती हैं और जब क्लीन करते हैं तो कितना अच्छा चिकना चिकना सा लगता है। वैसे ही हम लोग की भले ही थोड़े मोड़े ही हेयर होते हैं, लेकिन जब हम लोग भी इसको क्लीन करते हैं ना या कराते हैं कहीं से भी क्लीन हो जाता है तो हम लोग का भी स्किन भी ना ऐसे ही टकला टकला सा महसूस होता है, एकदम चिकना सा, एकदम बहुत अच्छा लगता है। मतलब फीलिंग अंदर से ना बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को दिखाने के लिए ये सारे काम करते हैं जैसे सजना सवरना या फिर ये अपर लिप थ्रेडिंग फॉरहेड फेशियल, ये सभी अपने आत्मा को संतुष्टि करने के लिए भी बहुत सारे लोग करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, बहुत से लोगों को दिखाना नहीं होता है कि मैं ऐसी दिख रही हूँ या वैसी दिख रही हूँ। बहुत लोग ये चाहते हैं ना कि अगर मैं खुद से अपने आप को जब मैं आईने में देखूँ, अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। आप ही जाता है, अगर आप अच्छे खासे कपड़े पहने हो ना, अच्छा सा पैर में चप्पल जूता जो भी है, अच्छे से बाल हैं, शैम्पू किए हुए बाल हैं और आपने बिंदी सिंदूर या जो भी नॉर्मली भी है ना, तो आप खुद से कॉन्फिडेंस में रहोगे कि नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ, कहीं भी आ सकते हो जा सकते हो। वही अगर आप बाल में तेल लगा लो फिर घर से निकलिए, लड़कियों की बात कर रही हूँ, निकलने में इतनी ज़्यादा शर्म आएगी ना कि अरे आज मैंने बाल में तेल लगाया है, बाल ऐसे चिपका चिपका सा, मैं बीमार लग रही होंगी, मैं सुंदर नहीं लग रही होंगी, इस तरह से मन में ख्याल आते। और लड़कियाँ तो बहुत सारी निकलते भी नहीं हैं। खैर मैं भी तेल वगैरह लगा करके बहुत कम ही निकला करती थी अपनी शादी के पहले, लेकिन अब तो मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब मुझे इन सभी चीज़ों से ना कोई भी मतलब नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के सामने ही आ जाती हूँ। अभी आपको मेरा फेस देख करके क्या लग रहा है, मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा है, मैं अपने चेहरे में कोई भी मेकअप नहीं करी हूँ। नहाने के बाद सीधा मैं जैसे ही नहाती हूँ ना बाथरूम से निकल करके, उसके बाद सीधा मैं पूजा रूम में जाती हूँ, वहाँ पर बैठ करके और पूजा करती हूँ। लगभग आधे घंटे समय देती हूँ भगवान के पास,
क्योंकि अब मुझे ना रोज़ पूजा करना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा सा समय भगवान के सामने भी बैठना चाहिए जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। और भगवान के सामने बैठती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। आने के बाद मैं जब भी नहाती हूँ तो नाइटी चेंज करती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर सूट वगैरह पहन लेती हूँ। तो जब मैं सूट पहनी तो मैं सोची कौन क्रीम पाउडर लगाने जाएगी, और मेकअप तो करूँगी नहीं क्योंकि मुझे खुद ही अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने हैं, और आईज़ मेकअप भी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ इसलिए क्योंकि जब भी मैं हेयर रिमूव करती हूँ, चाहे थ्रेडिंग हो, फॉरहेड हो या फिर अपर लिप्स लोअर लिप्स हो, मुझे बहुत दर्द होता है और उसकी वजह से आँख में आँसू भी बहुत आते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इतना मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मेरे ये सभी जो स्किन है वो काफ़ी चिकने चिकने से लग रहे हैं, बाल निकल आए हैं, अच्छे से लिप्स लग रहे हैं। अब इस पे अगर लिपस्टिक लगाई जाएगी तो बहुत अच्छी खुल के उभर करके आएगी। तो यही है लिपस्टिक का राज कि मेरी लिपस्टिक ट्यूटोरियल की वीडियो इतनी अच्छी क्यों बनती है ये भी एक चीज़ है कि भाई क्यों अच्छी बनती है। तो इसके लिए बिफोर काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है और अपने लिप्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, और आज मैं सोची थी कि मेकअप की वीडियो बना लूँगी लेकिन इसी में मेरा टाइम बीत गया। तो अभी इसके बाद मैं लिपस्टिक ट्यूटोरियल की एक वीडियो बनाई है, ब्लैक काजल और पिंक लिपस्टिक, बहुत छोटी सी हर्ट आकार में, ठीक है, उसकी वीडियो आएगी। और दूसरी मैंने ना अपने नोज़ की हेयर कटिंग की वीडियो बनाई है, बट मैं वो सोच रही हूँ ना कि वो मैं पब्लिक ना करूँ, मैं अपने मेम्बर्स के लिए अपलोड करूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पब्लिक करने लायक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नोज़ एरिया कोई देखे, मुझे वो बिल्कुल भी उतना पसंद नहीं है, गंदा सा भी लगता है। तो जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करे होंगे वो लोग ही देख पाएंगे, तो कुछ स्पेशली वीडियो स्पेशल पर्सन के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर कुछ आपका कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर बनाकर लाऊंगी अगर YouTube गाइडलाइन के साथ होगा तो। कुछ वीडियोस YouTube गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होते इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ।